हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद मिही चैनल में आपका स्वागत है। फ्री फाउंडेशन कोर्स मैथ्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2020 का ये फर्स्ट लेक्चर है। आज हम देखेंगे मैथ्स का सिलेबस क्या है एंड मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। फ्रेंड्स, मैथ्स के सिलेबस को हम फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन 5 टू 10 मार्क्स में आता है, नंबर सीरीज 5 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स, अरिथमेटिक 10 मार्क्स, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी 5 टू 10 मार्क्स में आएंगे। मेंस की बात करें तो नंबर सीरीज में 1 टू 2 क्वेश्चंस एडवांस लेवल के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस, अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी के 15 टू 20 क्वेश्चंस आएंगे। फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन को हम बोडमास रूल से सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट को दूर करेंगे, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहां कोई ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 36 इंटू 1 बाई 4 तो हो जाएगा 9, 108 डिवाइडेड बाई 9 होगा 12, यहां पर है 2 बाई 5 एंड यहां पर है 13 बाई 4 तो ये आएगा 13 बाई 10। ओके, इससे 133 एंड 10 आएगा, हम से लिख सकते हैं 10, ये फाइनल आंसर हमारा होगा। नंबर सीरीज में दो टाइप की सीरीज पूछी जाती है, मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है और रॉन्ग नंबर फाइंड करना होता है। ये दो टाइप की सीरीज हमें पूछी जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन में फ्रेंड्स हमें दिया जाएगा एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई और नो रिलेशन। ये एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हमें ये जो भी दो इक्वेशन है इसके रूट निकालने होते हैं। यहाँ x के दो रूट मिलेंगे और y के दो रूट मिलेंगे। ये दोनों रूट की जो भी वैल्यू है उसे हमें कंपेयर करना है और ये ऑप्शन में से आंसर देना है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में 5 मार्क्स का आता है, तो हम इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अरिथमेटिक। प्रीलिम्स की बात करें तो एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एजिस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। मेंस में मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी एंड एरिया। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में ये चैप्टर नहीं करने हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये तीनों चैप्टर प्रीलिम्स के लिए स्किप कर सकते हो। कुछ लोग फ्रेंड्स टाइम एंड डिस्टेंस को भी प्रीलिम में स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं ये आपको एडवाइस नहीं दूंगा, क्यों वो हम डीआई सेक्शन में देखेंगे। फ्रेंड्स, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, ये चार चैप्टर आपने अगर अच्छे से कर लिए तो आपको डीआई सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मींस डीआई हम जिसे बोलते हैं, उसमें फ्रेंड्स टेबल, बार ग्राफ, लाइन, पाई ग्राफ, ये सब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये टेबल है, ये बार ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है, ये पाई ग्राफ है। यहाँ पर जो भी ग्राफ दिए हैं उसका एनालिसिस करना है और उसके बेसिस पे जो हमें क्वेश्चंस दिए होंगे उसके आंसर हमें देने होंगे। मिक्स ग्राफ में फ्रेंड्स ये चारों ग्राफ में से कोई दो का या फिर कोई तीन का कॉम्बिनेशन दे देंगे और हमें आंसर देना होगा। अरिथमेटिक में जो भी अरिथमेटिक का सिलेबस है उसके बेसिस पे हमें डीआई पूछा जाएगा। केसलेस में फ्रेंड्स जैसे यहां पर हम
ग्राफ को देख के उसका एनालिसिस करके आंसर देते हैं, तो केसलेट्स में क्या है, सेंटेंस दिए जाएंगे, वो सेंटेंस का हमें एनालिसिस करना है एंड आंसर देना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स एग्जाम में हमें टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, क्यों, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस स्किप कर दिया एंड अरिथमेटिक डीआई में प्रीलिम्स में आपको टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड डीआई आ गया, तो फ्रेंड्स आपको 5 मार्क्स का लॉस हो जाएगा और ये लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस की, अब हम बात करेंगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी नंबर 1, कंप्लीट फुल सिलेबस इन मिनिमम टाइम। फ्रेंड्स, हमें कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है या फिर कोई भी टॉपिक को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर 0.25 मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं होता है और उस दिन आप सोचोगे कि मैंने ये चैप्टर किया होता तो मेरा सिलेक्शन आज हो जाता, उससे अच्छा है हम आज ही मेहनत करेंगे और कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, लाइफ में हर एक गलती खुद करना और सीखना, उससे अच्छा है दूसरों की गलती से सीख लो। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आएगी फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक्स। हर एक चैप्टर में मैं आपको फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, वो आपको एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड्स एंड वीकली उसका रिवीजन करना है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट कर दिया, बाद में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करूं और आप परसेंटेज चैप्टर के फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक्स भूल जाए, ऐसा ना हो इसलिए आपको वीकली उसका रिवीजन करते रहना होगा। फ्रेंड्स, थर्ड स्ट्रेटेजी है स्पीड। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको सब आता है लेकिन उनकी स्पीड कम है, इसलिए वो ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पीड हम कैसे इंक्रीज करें? सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको टेबल्स याद रखने होंगे 1 to 30, स्क्वायर्स याद रखने होंगे 1 to 40, क्यूब्स याद रखने होंगे 1 to 20। ये आपको तीनों याद रखना होगा। अगर आपको मैथ्स में एंजॉय करना है फ्रेंड्स, तो ये तीनों आपको आना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड स्क्वायर मिनिमम टाइम में कैसे निकालना है, ये आना चाहिए। फ्रेंड्स, स्पीड का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है 29 इंटू 9 तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 261, 21 इंटू 7 147, 24 इंटू 6 144, 19 इंटू 9 171। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, 29 इंटू 9, 9 इंटू 9 क्या हुआ 81, 1 यहां लिखोगे 8 को कैरी करोगे, 9 इंटू 2 18 और 18 प्लस 8 26। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 to 5 सेकंड आपका वेस्ट हो जाएगा और यहां पर आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो अगर आपने हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड आपकी सेव कर ली, तो फ्रेंड्स 5 into 30 तो 150 सेकंड आपकी सेव हो जाएगी, 2.5 मिनट्स आपकी सेव होगी और 2.5 मिनट में आप 2 to 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। यहां पर फ्रेंड्स, मैंने आपको टेबल्स दिए हुए हैं, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स दिए हुए हैं, तो वो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक नोट में नोट डाउन कर लीजिए और रोज उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये है 1 to 10 तक टेबल्स, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30। फ्रेंड्स, स्क्वायर्स में 1 से 20 तक आपको याद रह जाएगा, उसके बारे में हम थोड़ी ट्रिक्स देख लेते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का होता है 841, 22 का होता है 484, 28 का स्क्वायर होता है 784, 23 का स्क्वायर होता है 529, 27 का होता है 729, 24 का होता है 576, 26 का स्क्वायर होता है 676। तो ये सब, ये और ये कनेक्टेड है, ये और ये कनेक्टेड है, ये सब कनेक्शन आपको याद रखने होंगे।
31 टू 40 आपको याद रखने होंगे, एंड 40 का स्क्वायर है 1600, और यहां से फ्रेंड अब देखेंगे 41, 42, तो ये देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये इंक्रीज हो रहा है, और नीचे से स्टार्ट करना है, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 00 लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 01 लिखना है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो इसे हम लिखना है 404, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 09 लिखना है, इस तरीके से यहां पर इंक्रीज होता जाएगा। फ्रेंड्स यहां पर देखो, यहां 25 खत्म हुआ, यहां से था 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, यहां तक होगा। यहां हमने नीचे से स्टार्ट किया, तो यहां ऊपर से स्टार्ट होगा, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, इस तरीके से ऊपर से नीचे इंक्रीज। फ्रेंड्स ये मैंने एक एनालिसिस किया था एंड आपको बताया, अगर आपको भी कुछ ऐसा एनालिसिस मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। ये क्यूब्स हैं, आपको 1 से 20 तक याद रखने हैं, उससे आगे आप याद रख सको तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमको परसेंटेज टू फ्रैक्शंस भी याद रखने हैं, ये सब आपको याद कर लेने हैं। क्यों, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, 75% जैसे ही लिखे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 3/4, 150% दिखे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 3/2, 175% आपको दिखे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 7/4। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, 175% है तो आप करोगे 175/100, 25 × 4, 25 × 7, 25 को कैंसिल करोगे, लास्ट में आंसर दोगे 7 और 4, 7/4। तो फ्रेंड्स 5 से 6 सेकंड हम सेव कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्ट याद है तो ये सब हमको याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में कुछ इस टाइप के परसेंटेज आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है 30, ये परसेंटेज ऐसा कुछ आपको दिखा, तो फ्रेंड्स जैसे ही परसेंटेज दिखे तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए 1/100 होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन हम क्या करेंगे, 100/3 करेंगे, 100 और 100 चला जाएगा तो आंसर बचेगा 1/3। ये सब कैलकुलेशन हमें दिमाग में करनी है, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। 11 ये परसेंटेज हमारे पास आया, तो जैसे ही परसेंटेज दिखे हमारे दिमाग में आना चाहिए 1/100, और इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ 100/9, तो 100 और 100 कैंसिल हो गए, आंसर आया 1/9। ये सब कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए, जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको कैंसिल आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पर क्या होगा, परसेंटेज है दिमाग में आ गया 1/100, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 50/7, ओके, तो आंसर क्या होगा 1/7 इंटू 50/100 क्या होगा 1/2, तो हमारा आंसर होगा 1/14। फ्रेंड्स ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी फ्रेंड्स डेली प्रैक्टिस, हमको डेली 50 क्वेश्चंस करने हैं, एक डीआई करना है, वो डीआई फ्रेंड्स यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक ही डीआई की, एक टाइप के डीआई की प्रैक्टिस करते रहो। फिर टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ये आपको हर रोज लिखना है तब तक जब तक आपको याद नहीं रह जाए। नेक्स्ट फ्रेंड हमें प्रैक्टिस विदाउट पेन करनी है या फिर मिनिमम यूज ऑफ पेन करनी है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहां पर फ्रेंड्स हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, हम सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRN/100, तो हमें एग्जाम में वो फॉर्मूला लिखना नहीं है क्योंकि फॉर्मूला लिखने में हमारा 2 से 3 सेकंड का टाइम वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमें सोचना है कि जो 100 है डिनोमिनेटर में उसको हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे, तो पी जो है उसके 1000 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, पी में सिर्फ 10 बचेगा और आर का 10 है हमारे पास, तो डायरेक्ट आंसर हमारा आएगा सिंपल इंटरेस्ट 100 हमें मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन हमारी दिमाग में होनी चाहिए, नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN
डिवाइड बाय 100, फिर पी को लिखेंगे 1000, आर को लिखेंगे 10, एन फॉर 1, एन फिर 100, ये इसे कैंसिल आउट करेंगे, इसे करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे और फाइनल आंसर 100 लाएंगे। तो फ्रेंड्स हम 5 से 6 सेकंड्स जो है वो सेव कर सकते हैं। एक एक सेकंड, एक सेकंड भी अगर एग्जाम में सेव होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 100% एक्यूरेसी। फ्रेंड्स 100% एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं है कि आपको 35 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सभी सॉल्व करने हैं, या फिर 32 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और 3 क्वेश्चन जो भी बाकी है उसको ऐसे ही टिक कर देना है, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। अगर 32 क्वेश्चन करो तो 32 के 32 सही होने चाहिए, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आप अगर टिक करोगे क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा सही है या फिर गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैथ्स विद मिही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपका नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो।